वकील साहब नमस्कार, एडवोकेट श्याम सुंदर भटोरे जी हैं जो खरगोन से हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं। आगे हैं नवेद जी। जी नमस्ते। हाँ नवेद जी, चिर परिचित नाम है, आप सब जानते होंगे इनको, तो बड़वानी से ये आए हैं। जो बीच में हैं तुषार भाई पटेल। नमस्कार सर जी। तुषार भाई पटेल हैं जो मेघ धनुष बायो फर्टिलाइजर के संस्थापक हैं। बाद हैं रामचंद्र पाटीदार जी। नमस्ते। रामचंद्र पाटीदार जी का ये बाग है, उसके बाद हैं एक धनुष बायो फर्टिलाइजर के रजनी जी। तो ये मैंने आपका परिचय कराया और अब हम बाग में घूमते हैं और चर्चा करते हैं। 8x5 पर है इनका, तो एक एकड़ में लगभग 1000 पौधे। हाँ 1000। ये कौन से वर्ष में लगाया था आपने? 15 मार्च 2020। 15 मार्च 2020 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्लोन के पौधे इन्होंने लगाए थे। और पहली बार फसल कब ली थी आपने? मैंने मार्च में ले ली थी, 19 को, 21 को। 15 मार्च 2020 में लगाया था। हाँ। और मार्च 21 में आपने पहली फ्लस निकाली थी। पहली फ्लस निकाली। 7-7, 8-8 फल मैंने रखे थे। 7-7, 8-8। हाँ। वो बेच नहीं पाए थे, लॉकडाउन आ गया था, पूरा माल खराब ही हुआ। पूरा माल खराब। हाँ। उसके बाद अगली फसल फिर ये फरवरी में निकाली। इस फरवरी। हाँ। वो कितनी बेची थी आपने? वो ये 3000 पौधों से 21-21.5 लाख का निकाला। 3000 पौधों से 21.5 लाख का निकाला। हाँ। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसे आपने जो स्पेस रखी, हाँ, 8x5 पे, हाँ, ये स्पेस जैसे प्लांट लगाते वक्त आप बेड पहले बनाए थे या बेड के? नहीं, बेड तो पहले बनाए थे, इतने ज्यादा नहीं बनाए थे, पर छोटा बेड था। मिट्टी बाद में चढ़ाई हो गया। हाँ, मिट्टी बाद में चढ़ाई। तो शुरुआती उसमें आपने क्या क्या दिया था इसमें? गोबर खाद डालने के बाद में उस पर वेस्ट डिकम्पोजर मैंने चलाया था। अच्छा, वो का ड्रिप चलाया था? हाँ, ड्रिप से चलाने के बाद में फिर 5-7 दिन मैंने उसको छोड़ा, उसके बाद में फिर पौधा ट्रांसप्लांट। मार्च 20 में उसको प्लांटेशन कर दिया था। हाँ। और प्लांट तो आपका 1.25 साल का होगा, 1 साल का कितना? हाँ, ये 22 महीने हो गए नहीं, अभी मार्च आएगा 2 साल का। जब अपन प्लांट लगा होगा, जब तो 1.25 साल का प्लांट हुआ होगा ना वो? नहीं, प्लांट 6 इंची वाला था, छोटा क्लोन वाला। हाँ, 6 इंची का पौधा था। अच्छा, तो 2021 मतलब आपने अगला फल कब लिया आपने? ये मार्च 21 में, 2021 में लिया। हाँ। तो उस पे कितना फल आ गया था 21 पे आपका? फल तो बहुत ज़्यादा आए थे, करीबन ये मान के चलो अगर पूरे रखते तो 70-80 फल आए थे, पर उसमें से अपन ने 6-7 फल सिर्फ पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से रखा, तना कम कमजोर हो, हर ब्रांच पे एक फल रखा था अपन। जी, अच्छी बात है। और फर्टिकेशन शेड्यूल क्या रही आपका? फर्टिकेशन तो मैं कुछ करता ही नहीं, जीव अमृत वेस्ट डिकम्पोजर गोबर खाद कचरे की मल्चिंग और धन जीव अमृत इन्हीं का उपयोग करता हूँ। नहीं, जैसे ड्रिप पर लगा रखा है तो ये सब जो फर्टिकेशन आप यही जाता है, वेस्ट डिकम्पोजर चलता है। और ये कटिंग का क्या शेड्यूल सर? जैसे आपने इतने प्लस तो ले लिया आपने। हाँ। ये अभी जैसे 2021 में जो प्लस आया। हाँ। तो उसी कटिंग पे तो आपको करना पड़ी होगी। हाँ, कटिंग की मैनेजमेंट रहा आपका? कटिंग का इसमें मैं बहुत सी गलती मैंने कर दी थी, तो मैंने डॉक्टर साहब के ही वीडियो देख कर कटिंग का मैनेजमेंट किया, उससे इसमें गलती नहीं मेरे को लगी। अभी जैसे नीचे से सिंगल स्टंप है, तो ये सर के वीडियो देखे मैंने, इसमें बहुत काफ़ी कुछ मैनेज किया है। जैसे यहाँ से पहली कटिंग लगाई तो ये ब्रांचें निकली, फिर उनको 1.5 फीट पर फिर मैंने काटा, बस ऐसे कटिंग करता गया, और जो ब्रांच इसके नीचे आती थी उसको भी मैं काट दिया करता था। और जो गलती उसमें हुई थी तो इस पर तो इतना ज़्यादा मैंने फोकस दिया कि गलत ब्रांचों को मैंने चलने नहीं दी, जैसे निकली बस उसको निपटा दी, तो सही ब्रांच पे ताकत लगी तो उम्र के पौधे की हाइट अच्छी आई, आप में तना मजबूत हो गया मतलब। हाँ। और मेरा एक ये सवाल है, जैसे आपने जैसे इस पे जो किया होगा, जैसे आपने मार्च 2021 में फल लिए, तो फ्लावरिंग तो आपकी इधर अक्टूबर नवंबर में ही होगी। हाँ, चालू तो जैसे आप मार्च में पानी की दिक्कत बहुत थी, अपने पास में तो बहुत कम पानी था, तो मार्केट में माल तो आपका मार्च में जाना शुरू होगा। हाँ हाँ, मार्च में 21 मार्च को माल तैयार हो गया था। नहीं, मतलब फ्लावरिंग तो आपकी नवंबर में ही होगी। हाँ हाँ, अक्टूबर नवंबर में शुरू हो गई। हाँ। तो अब जैसे आपने जो फ्लावरिंग है
उसके पहले मतलब जो ताव देना था जिस पर, जैसे ताव तो दिया होगा ना? नहीं, ताव तो क्या आपने तो जैसे... आपका मेरा मतलब ये है, जैसे आपने 2020 में आपने प्लांटेशन किया, 20-21 मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और छठे महीने में आपने इस पर मतलब फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी आपकी? हाँ, आ गई थी नहीं, जैसे मतलब... बारिश के बाद में पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ करके चला, और फ्लावरिंग क्या बस ये ऐसे आता है। इसमें से आपने क्या किया, सिर्फ एक फल रखा, इसमें आपने मतलब जो कमजोर फल होगा उसको तोड़ते हाँ, एक एक फल एक एक ब्रांच पे लिए थे, कोई पे पांच, कोई पे सात, कोई पे आठ फल भी थे। अच्छा। वो हिसाब से, और मैंने क्या किया था, इस पे मूंगफली लगा दी थी, दो पौधों के बीच में चार दाने लगाए थे, मूंगफली ने अच्छी ग्रोथ की, तो मैंने इसमें 24 किलो मूंगफली लगाई थी, 16 क्विंटल का उत्पादन आया था पौधों के बीच में। हाँ, उससे क्या हुआ, चारा भी कम आया, और ये जो बीच की लाइन थी इसमें मैंने मूंग लगा दिया था, उड़द भी लगाया था इंटरक्रॉप में। हाँ, इंटरक्रॉपिंग में। उसके बाद में भी फिर मैंने इसको नहीं छोड़ा, उसके बाद में फिर मैंने इसमें लहसुन लगा, लहसुन भी अच्छा हुआ। ये स्प्रे वगैरह का मैनेजमेंट क्या रही आपका? स्प्रे में मैं महीने में दो बार करता हूँ, महीने में जैसे आपने पुण्य आए तो उसकी 14, अमास आए तो उसकी 14, 13-14 दो दिन में स्प्रे करता हूँ। मतलब कंपलसरी कि आपको पुण्यम और ये? हाँ, बस करना ही करना है। मतलब कुछ प्रिवेंटिव सब काम है आपका? हाँ। पहले कि उसमें दिखे या नहीं दिखे। हाँ। कि अपनों को स्प्रे करना है, कुल मिला के ऊपर वाले के भरोसे चलता हूँ। अच्छा। अगर कोई बीमारी दिखे फिर भी मैं एक्शन कुछ नहीं लेता, आज है तो कल खत्म होएगी। अच्छा। अभी जैसे ये आपका 3.5 एकड़ खेत है। हाँ। ये इस प्लाट की बात कर रहे हैं, इसमें आपको कितने लीटर पानी लगता है, कितनी कोठी पानी? अभी तो इस पे जैसे हम स्प्रे मारते हैं तो करीबन 6 ड्रम पानी लग जाता है, 1200 लीटर पानी, 1200 लीटर पानी लग जाता है ये इस प्लॉट पे। हाँ, अभी क्या, पहले पंप से करते थे, अभी कंप्रेसर चला रहा हूँ मैं, तो उसमें ज्यादा पानी ही जाता है, बाकी वो गाना और घर की दवाई है, थोड़ा अच्छा ही मारते भी है। मार्केट से लाए तो कहीं भी और उसका गणित देखना पड़ता है, ये तो इसमें कहीं ज्यादा बजट है नहीं, तो अपन तो तरीके से मारते हैं। अभी जैसे आप अभी अपना ये चल रहा अपना जनवरी 2022 चल रहा, अब इसकी जैसे ये फ्लावरिंग की बैगिंग आपने या फ्रूट की बैगिंग कर दी आपने। हाँ। अब ये बैगिंग तो हो गई अपनी। हाँ। अब ये बैगिंग फल कब आएगा, ये अप्रैल में आएगा? नहीं, ये अप्रैल में क्यों, ये फरवरी एंडिंग तक अच्छा चालू हो जाएगा। अभी फरवरी एंडिंग तक तो बहुत कम फ्रूट रह जाएंगे। अच्छा। ये 2 महीने में निकल जाएगा, ये फरवरी में आ जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 15 मार्च। तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट आपको रेगुलर चलाना पड़ेगा? हाँ, पानी तो ये मान के चलो तालाब में आता है, 15 दिन में 5 से 6 दिन मोटर चलती है, मेरी लाइन है वहाँ से, 6 दिन चलता है तो 6 दिन में फ्लड से ही देता हूँ, क्योंकि अगर फ्लड से दे दिया तो 15 दिन फिर ये पानी नहीं मांगता, और मेरे पास में रेगुलर में 2.5 घंटे का ही पानी है। अच्छा, ये अपने ड्रिप का? हाँ, और ये जहाँ तालाब में बन हुआ कि 2.5 घंटे पे 8 एकड़ मैनेज हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ये निकला। अब ये तोड़ने लायक हो गया आपका फल है ना ये? हाँ, ये थोड़ा कलर आ गया है, पीलापन हो चुका। हाँ। ले लो एक, ले लो ये ऊपर वाला सर, ऊपर याल। हाँ याल, हाँ याल, तोड़ता हूँ कल, अभी तोड़ा ही करेंगे ही, बड़े बड़े साइज जितने भी है निकाल लेंगे। ये हमारे तुषार जी फल तोड़ बता रहे थे, थोड़ा सा ये पक गया, डैमेज हुआ है सर, डैमेज हुआ, निकाल दो, निकाल दो, हो जाता है तो। सर जितना फल बड़ा होगा ये इसमें फ्रूट फ्लाई आ गई, फ्रूट फ्लाई की दिक्कत आई थी। देखिए ये फ्रेश है, हाँ जी सर, ये फ्रेश है, सुबह का ताज़ा है, तीन सौ से प्लस होगा। हाँ, मतलब साइज के हिसाब से कम है। मेरे यहाँ अगर इतना साइज का अमरूद होगा तो वो कम से कम 700 ग्राम का लगेगा। अच्छा, तो मैं कल ये चीज नोटिस की थी। हाँ हाँ हाँ, तो अगर इसका इसमें आप चेंज करोगे ना। हाँ हाँ, तो आपको जो है ना इसका प्रोडक्शन जो है ना कम से कम 1.5 गुना। हाँ, हो सकता है, जैसे अभी अपन एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रहे हैं उसके वजह से वेट कम आ रहा है, ये एक्सेस हो गया। हाँ हाँ,
फट गया सर। ये आपने मेरे को कल बताया था, ये यहाँ से ही होता है, मैंने बताया था आपको। हाँ, हाँ, बोरोन और उसकी कमी होती है, बोरोन और कैल्शियम की वजह से होता है। और बताऊं, बोरोन और कैल्शियम दोनों ऑर्गेनिक हैं। हाँ, दोनों ऑर्गेनिक हैं। अच्छा, ये पास आउट उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर करोगे ना इससे? हाँ, मतलब पन्नी से पहले करोगे ना? हाँ, हाँ, दो तीन लाइन में करके देखो आप इसको, पूरा सड़ गया। ये इसमें मैंने पेसिलोमाइसिस डाला हुआ है नेमाटोड के लिए। नहीं, पहले है क्या ये? ये गोबर खाद है। गोबर की खाद कैसे तैयार किया? इसमें पहले अपन ने 8 एकड़ का टारगेट है, ये 8 एकड़ पे 8 केजी अपन ने पेसिलोमाइसिस डाल दिया है, उसके ऊपर 10 केजी गुड़ का पानी डाल दिया है, अब इसको मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ दिया है। पहले गोबर की खाद आपने तैयार की? हाँ, छोड़ दिया है। हाँ, कितने दिन के लिए? 21 दिन रखूंगा मैं। और क्या क्या डाला हुआ है आपने? पेसिलो डाला, पेसिलोमाइसिस डाला। हाँ, अपना चने का बेसन डाला है, बेसन डाला है। और 10 केजी गुड़ का पानी डाला है, पानी डाला है। और इसको अब मैं 2-3 बार पलटा भी लगाऊंगा। अच्छा, पेसिलोमाइसिस के सिवा और कुछ बैक्टीरिया या फंगस नहीं डाला? नहीं नहीं कुछ। अच्छा, इसी तरह आप ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का? हाँ, यही प्रोसेस रहती है। कितना बेनिफिट होता है जब आप ट्राइकोडर्मा? इससे बेनिफिट मेरे को ये मिला, जैसे फंगस मेरे खेत में नहीं मेरे को दिख रही है, कोई पौधा बैठ नहीं रहा है, फलों में ज़्यादा कहीं सड़ने गलने की दिक्कत नहीं आ रही है, बारिश ज़्यादा हो तब भी कोई परेशानी नहीं आती कि पौधे बैठ रहे हैं या विल्टिंग आ गई, ऐसा कोई देखने को अभी तक मेरे को नहीं मिला। प्रति पौधे के हिसाब से ये कितना मटेरियल डालते हो? ये 8 एकड़ का डोस है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो बीच नाली है इसमें सीधा जैसे अपन ये खाद डालते हैं, इसका सेम प्रोसेस ये रहती है। अच्छा, बीच में ही डाल देते हैं? हाँ। अच्छा, रूट के बाद जहाँ पे नमी रहती है वहाँ पे इसको हम डालते हैं, तने के आजू बाजू और रूट के बगल में नहीं डालते? और अभी साल में कितनी बार डालते हैं? साल में एक बार डालते हैं, वो भी कौन से समय में? अधिकतर ये इस साल लेट हो गया हूँ, नहीं तो बारिश लगने के बाद अच्छी नमी होती है फिर डाल देते हैं। अरे, आपका ये पूरे प्लॉट का मैनेजमेंट, मतलब अमरूद का पूरा मैनेजमेंट कौन कौन लोग देखते हैं? मतलब 12 लड़के हैं सर। 12 लड़के आपने रख छोड़े? 12 लड़कों की 200 रुपये पर डे चलती है, एक व्यक्ति की 200 रुपये, 2400 रुपये पर डे चलता है उनका। अच्छा, उसमें अगर पानी गिरे 1-2 दिन काम बंद हो तब भी मैं उनकी मजदूरी जो चल रही है वो चलती है, बंद नहीं करता। अच्छा, उसके बाद में जो मेरी कमाई की शुद्ध बचत मेरे पास में आती है उसका मैं 5% उनको अलग से देता हूँ। हाँ, जैसे अमरूद जिस दिन तोड़ाई होती है उस दिन रात की 10 भी बज जाती है तो वो वही 200 में काम करता है। देखा है कि कुछ अमरूद एक्स्ट्रा एक्सेस साइज में है ना, और कुछ अमरुद आपका छोटे साइज में है। हाँ, ग्रेडिंग हम यही करके भेजते हैं, बी ग्रेड और ए ग्रेड माल चलता है। हाँ, उसमें जो ज्यादा ओवर साइज का रहता है उसका 1-2 कार्टून हम अलग बना देते। अच्छा, जो ओवर साइज का हो जाता है। हाँ, अच्छा, ए ग्रेड का क्या रेट मिलता है? ए ग्रेड का अभी तक आपने जो भेजा है उसमें 55 रुपये से लगा के 68 रुपये तक बिका है, कम ज्यादा चलता है। ए ग्रेड का और बी ग्रेड चलता है 25 से 30-32 रुपये के आसपास। अच्छा, टोटल में से कितने परसेंट ए ग्रेड आ जाता है और कितने परसेंट बी ग्रेड? 5% भी नहीं आता बी ग्रेड। हाँ। रामचंद्र भाई। हाँ। आपके बाग में 6 एकड़ में अमरूद है इस टाइम? हाँ। 6 एकड़ में? हाँ। तो 6 एकड़ में जो ये है ताइवान पिंक है, 4 एकड़ है? हाँ, 3.5 एकड़ के आसपास ताइवान पिंक है। 3000 ताइवान पिंक? नहीं, पौधे 3000 ही है। पौधे 3000 है। हाँ। और जो VNR है ये 2.25 एकड़ के आसपास ये है, इसमें 1200 पौधे हैं। इसमें 1200 पौधे? हाँ। तो कुल आपके 4200 पौधे हैं? हाँ, 4000। 4200 पौधे। कितनी बैगिंग कराई थी आपने इसमें? पहले मैंने 1,85,000 के आसपास पहली बैगिंग हुई थी 2021 में। 2021 अगस्त में जो हुई थी? अगस्त में हुई थी। हाँ। 1,85,000 बैगिंग हुई। हाँ। उसमें से कितना माल जो है ना आपका अब तक बिक चुका? 635 कुंटल है। 635 600 कुंटल माल और मतलब 650 के आसपास 650 कुंटल बिक चुका। हाँ हाँ। उसमें आपका किस किस रेट में गया है? 50 का भी गया, 55 का भी गया, 68 का भी, 60 का भी। तो रफली मान लें 30 लाख से ऊपर आप? हाँ, 32 लाख और कुछ रुपए ऊपर है जो उतना माल बेच। और आपके हिसाब से अभी कितना जैसे इसमें लगा हुआ है? अभी की बार जैसे वापस बैगिंग की है 2,15,000 रुपये, 2,15,000 फलों की बैगिंग हो गई है। अब ये जो बैगिंग हुई है
ये कब तक खत्म होगी? ये 15 मार्च तक। 15 मार्च तक, हाँ। तो एक साल में मतलब 60 लाख का अमरूद बेच देंगे? हाँ, आराम से निकलेगा। अच्छा, इसमें जो है आपने कितना मतलब जो आपका खर्चा है? हाँ, लगभग आपने बताया कि 12 मजदूर है। हाँ, 12 मजदूरों को लगभग आपका 200 रुपीज़ पर डे, 72,000 रुपये पर महीने का खर्चा है, है ना? हाँ, 12×7=84, 9 लाख रुपये साल का खर्चा है। हाँ, एक साल का खर्चा 9 लाख रुपये मजदूरों का खर्चा। हाँ, है ना? और 9 लाख रुपये ये हो गया, 1 लाख हम आपका लगा लेते हैं, अभी हाँ, तो काम कर 10 लाख लगा, 10,000 रुपये 10 लाख रुपये का खर्चा हो गया। हाँ, इसके अलावा बाकी खाद, इसके अलावा वो खर्चा तो नहीं है मेरा, पर पोम है, पन्नी है, फिर कार्टून है। कितना खर्चा? ये पोम पन्नी का अगर जैसे अगर अपन 2 लाख पोम पन्नी बुला रहे हैं तो 2,60,000 रुपये उसमें जाएंगे अपने। तो 10 और 2 = 12, 12,60,000 में 13 लाख रुपये लगा। हाँ, सब चीज लगा। हाँ, 13 लाख रुपये ये लगा। और फिर अगर अपन जैसे 1200 क्विंटल माल भेज रहे हैं तो 12×5=60, 6,000 कार्टून लग रहे हैं अपने। 6,000 कार्टून का? हाँ, 6,000 कार्टून का 3 से 3.5 लाख रुपये। तो 15 और 3 = 18 और पैकिंग का? 18 लाख। पैकिंग कैसी कैसी होती है सर कार्टून में? हमने 10 kg और 20 kg, 10 kg और 20 kg का कार्टून बनता। हाँ, 18.5 लाख हो गया। और फिर ट्रांसपोर्ट? हाँ, फिर ट्रांसपोर्ट, अब ये 1200 क्विंटल पे 500 का ट्रांसपोर्ट लगा लो आप, 500 रुपये क्विंटल। हाँ, उसमें सर हिमाली भी आ गई अपनी, वहाँ चढ़ी उतरी? हाँ, वो आ गई, और वो उसको हिमाली तो जो जितना माल जाता है उसके हिसाब से कट के ही बिल आता है। 18+ ट्रांसपोर्ट। हाँ, ट्रांसपोर्ट कितना हो गया? 500 रुपये क्विंटल। तो कितने क्विंटल? 1200 क्विंटल पे 6 लाख रुपये गए आपके। 6 लाख रुपये, 18×6=24 लाख रुपये। हाँ, उसके बाद में फिर जैसे कमीशन लगता है, पर ये जो मैंने आपको 32 लाख रुपये बताए ये भाड़ा कमीशन कट के हिमाली कट के आए हैं अपने पास। सर, वो सर वो बाद में हो जाएगा। नहीं मतलब 24 लाख रुपये। हाँ हाँ, 24। हाँ, 24 में और 2 लाख रुपये लगा। हाँ, 30 कर लो इसे, 28 26 कर लो, 26 लाख रुपये का आपका खर्चा होगा। हाँ, 32 में से? नहीं सर, नहीं 60 में से। 60 में, सॉरी 60 में। अपन मोटा मोटा आंकड़ा देखे, 32 लाख का निकला है और 30-32 लाख का और निकला, मतलब 60 लाख। तो 60 लाख में से अपने 24-25 लाख रुपये। लेकिन ये निकला आपका जाकर चौथे साल? नहीं सर, दूसरे साल। कौन सा साल चल रहा? अभी तो 21 चल रहा है, 22 चल रहा है, 22 महीना हुआ है, 20 महीना इसका 22 महीना हुआ है सर। साल चल रहा, दूसरे साल की आमदनी? हाँ, ये दूसरे साल की। तो दूसरे साल में आपको 30 लाख की हम ये समझ सकते हैं शुद्ध बचत है इसमें।